Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Itinamine Namaste Sarasvat Deve Gauravani Prachane Nirvishesha Sunyavadi Paschade Satarile Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Makhidyatam Mahabhago Makhidyatam Mahabhago Shlok 36 Drakshatha Krishna Mantike Antar Hridi Sabhutana Antar Hridi Sabhutana Aste Jyotiri Vaidhasi Aste Jyotiri Vaidhasi Nahyasyasti Priyah Kaschit Napriyo vaste maninaha Nuttamo nadamo napi Nuttamo nadamo napi Samanasya samopiva Samanasya samopiva Namata nupita tasya Namata nupita tasya Nubharja nusita jaha Nubharja nusita jaha Natmiyo napaschapi Natmiyo Deho janayeva cha Nachasya karma loke Sadasam nishra yonisho Kriyartha soti sadhuna Paritranaya kalpate Sattvam rajastamiti Bharate nirguna gunan Kriyan ati tatra gunaihi Sivyatyavati hanta jaha Jatha brahmarika drishtya Ramyati eva mahiyate Chitte kartari tatratma Karte vaham hi asmitaha Yuvayoreva naivayam Atmajo Bhagavan Hari Sarvesam Atmajo Hyatma Pita Mata Sarishwara Drishtam Sutam Bhuta Bhavad Bhavishya Sthasno Charishno Mahadalpa Kuncha Vina Chitad Vastu Taran Vachya Sayeva Sarvam Paramartha Bhuta Rakshyatam Krishna Mantike Antarhridesha Bhutana Aste Jyotiri Vaidhasi Na Yasya Sthitiyah Kasyet Na Yasya Sthitiyah Kasyet
नात्यो अस्य मानिनः नोत्तमो नाथमो नापि समानस्य समोऽपि वा कृष्ण के प्रति इस प्रकार पुत्र स्नेह बढ़ाए हैं, ये बहुत बड़ा भाग्य है। दक्षतः आप देखेंगे कृष्णं कृष्ण को अंतिके अपने गोद में बिल्कुल निकट अंतर हृदय में सह वे भूतानां समस्त देहधारियों के आस्ते हैं। ज्योति ही अग्नि इवा जैसे एधसी काष्ठ में अनुवाद बोलिए। भगवान श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के अंतर हृदय में रहते हैं, जैसे अग्नि ईंधन में रहता है, काष्ठ में व्याप्त रहता है। आप शोक मत कीजिए,
आप दोनों महाभाग्यवान हैं। कृष्ण को आप अपने बिल्कुल निकट देखे हैं, आप अपने निकट देखे। श्री उद्धव जी भगवान के माता पिता को सांत्वना दे रहे हैं। नंद बाबा और माँ जशोदा अत्यंत व्याकुल हैं कि कब हम कृष्ण को देखेंगे, कब कृष्ण मथुरा से आएगा। तो सांत्वना देते हैं कि आप दोनों शोक मत कीजिए, क्योंकि आप महाभाग्यवान हैं, आपके हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति महाप्रेम है, पुत्र भाव से उनके प्रति परम स्नेह है, अतः उस स्नेह की डोरी से बंधे हुए खींच करके वे यहाँ आएंगे। आप उनको अपने बिल्कुल निकट देखेंगे। किसी मनुष्य के लिए निकटतम स्थान क्या है? अपना गोद है। आप अपने गोद में देखेंगे, अपने पास देखेंगे कृष्ण को। वे आएंगे, आप चिंता मत कीजिए। और उद्धव जी और समझाने की चेष्टा कर रहे हैं कि जब मैं भगवान की भगवत्ता का, उदासीनता का और संबंध की अनेकांतिता का वर्णन करेंगे, तो इनकी पुत्र बुद्धि शिथिल होगी और श्री कृष्ण के प्रति थोड़ा स्नेह शिथिल होगा, तो ये दुख का अनुभव नहीं करेंगे। अतः नंद और जशोदा को सुख देने के लिए सांत्वना की एक विधि है कि भगवान की भगवत्ता का वर्णन कर रहे हैं। जब इनके पुत्रत्व का वर्णन नहीं किया जाएगा, यह बताया जाएगा कि श्री कृष्ण का कोई पुत्र नहीं, श्री कृष्ण किसी के पुत्र नहीं है, उनकी कोई माता नहीं है, पिता नहीं है, देह नहीं है, ये तो ठीक ही बोल रहे हैं, देह नहीं है तो कर्म नहीं है, तो इनका पुत्र भाव शिथिल होगा और ये थोड़ा सुख का अनुभव करेंगे, नहीं तो ये तो बिलप रहे हैं, रो रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर ज्ञान की बात चालू करते हैं। ये कहते हैं, नहीं अस्य श्री कृष्णस्य कश्चित, कोई भी व्यक्ति प्रिय नहीं है। यह बात इसलिए कह रहे हैं कि नंद बाबा ने कहा कि आप कह रहे हैं कि वो आएगा, लेकिन हमसे भी अधिक प्रिय श्री वसुदेव जी हैं, देवकी है और अन्य जादव सब उनके प्रिय हैं, तो उनको छोड़ करके कैसे आएंगे? वसुदेव जी को त्याग करके कैसे यहाँ आएगा कृष्ण, और देवकी को छोड़कर कैसे आएगा? तो उद्धव जी कहते हैं, अस्य कश्चित प्रिय न ही, इसका कोई प्रिय नहीं है और न तो कोई अप्रिय है। यहां से प्रारंभ कर रहे हैं। वाग्मी है ना, बोलने में बहुत चतुर हैं उद्धव जी, लेकिन इनकी यह वाग्मीता, प्रवचन कला और समझाने की युक्ति सब फेल कर गई। आगे आप सुनेंगे इस बात को। इसका कोई स्पेशल प्रिय नहीं है और न तो कोई अप्रिय है। प्रिय कौन होता है? जो उपकार किया है वो प्रिय होता है, और जो अपकार किया है वो अप्रिय होता है। इसका कोई प्रिय नहीं है। इस संसार में जैसे कुछ लोगों के, कुछ लोग प्रिय होते हैं,
अपने आदमी प्रिय और कुछ बिल्कुल अप्रिय होते हैं, उनका नाम भी आदमी नहीं सुनना चाहता है। बस कोई भी बस गुटबाजी है, एक दल का व्यक्ति दूसरे के बारे में घृणा करता है, कुछ को प्रिय मानता है और कुछ को अप्रिय मानता है। लेकिन वास्तव में श्री भगवान ऐसे नहीं हैं कि किसी को बिना कारण ऐसे प्रिय माने और किसी के साथ द्वेष करे। परंतु लीला में, प्रकट लीला में तो ये देखा गया है कि वे वसुदेव जी को अपने प्रिय मानते हैं, माता देवकी को प्रिय मानते हैं, जादवों को अपने प्रिय मानते हैं और कंस को, कंस के साथियों को अप्रिय मानते हैं। बाह्य लीला में जो भी दिखा गया हो, कृष्ण व्यवहार करते हों, लेकिन वास्तव में कृष्ण किसी, कोई उनका वो स्पेशल प्रिय नहीं है, कोई अप्रिय नहीं है। इस संसार में जब प्रिय कुछ हो गए, कुछ लोग होंगे तो कुछ अप्रिय हो ही जाएंगे, लेकिन भगवान की दृष्टि नहीं है, उनका कोई प्रिय नहीं है, कोई अप्रिय नहीं है। वा अस्य मान अमानिनः, श्री कृष्ण अमानी हैं। क्यों यह सब भाव नहीं है? क्योंकि वे अहंकार शून्य हैं, उनकी ये कभी भावना नहीं है कि मैं यह हूँ और यह मेरा है। अहंता और ममता यही अहंकार हैं, इस और भगवान को निरहंकारी कहा गया, निरहंकार। आजकल इस शब्द का लोग बहुत गलत उच्चारण करते हैं। वास्तव में पंजाब में सिख संप्रदाय में भी श्री भगवान को निरहंकार कहा जाता है। जैसे मनुष्यों के जीवों की भावना है कि यह देह मैं हूँ और इस देह से संबंधित वस्तुएं और लोग हमारे हैं, मेरे हैं, इसको अहंकार कहते हैं। लेकिन भगवान इस अहंकार से परे हैं और काल से परे हैं। किसी काल में उनका जन्म हुआ है, न वे किसी काल में मरेंगे। अकाल पुरुष कहा जाता है उनको। तो अकाल शब्द के साथ भगवान के लिए गुण जुड़ा हुआ है, निरहंकार। उसी को अपभ्रंश में निरंकारी, निरंकारी, वास्तव में निरहंकारी शब्द है। भगवान में अहंकार नहीं है, यह मैं हूँ, यह मेरा है, और यह तू है, तेरा है, इस प्रकार की भावना नहीं है। तो वे अहंकार से शून्य हैं, अमानी का यह अर्थ है, यह मैं हूँ, यह मेरा है। क्यों भगवान ऐसे ऐसी भावना कर पाएंगे? ये वो कर ही नहीं सकते कि यह मैं हूँ और यह मेरा है। और क्या है जो भगवान का नहीं है? कौन सी ऐसी वस्तु है जो भगवान नहीं है, भगवान की शक्ति नहीं है? सब कुछ भगवान की शक्ति का की उपज है और सर्वत्र भगवान है, सब में व्याप्त हैं, जगत की सभी वस्तुओं के रूप में भी वे हैं। अतः उनको यह अहंकार कभी छू ही नहीं सकता है, यह अज्ञान की वृत्ति एक घेर नहीं सकता है, मैं ये हूँ और ये मेरा है। तो माया जीवों को इस तरह से बांधते हैं, लेकिन वास्तव में भगवान अमानी हैं, निरहंकारी हैं। और नोत्तमो नाधमो नापि समानस्या समोपिवा, न श्री कृष्ण का, श्री कृष्ण से कोई उत्तम है, श्री कृष्ण का कोई उत्तम नहीं है जिसको वे अपने से श्रेष्ठ माने, किसी गुण में, किसी विषय में उनसे कोई उत्तम नहीं है और उनसे कोई अधम नहीं है। न उत्तमो न अधमो, उनके अलावा कोई कुछ है ही नहीं, तो उत्तम और अधम का क्या सवाल? उनसे कोई उत्तम नहीं है, कोई अधम नहीं है, वे समान हैं, समानस्य, सबके प्रति श्री कृष्ण की सम दृष्टि है, सबके प्रति यही भाव है कि मैं ही स्वरूप में हूँ। वास्तव में उन्हीं की शक्ति का कार्य है
ये देह हैं, जल पदार्थ, ये सब भगवान की अपरा प्रकृति के कार्य हैं, और जीव जितने हैं सब परा प्रकृति हैं। भगवान की ही शक्ति है, और शक्ति ही डिफ्यूज्ड हुई है, परिणाम को प्राप्त हुई। भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सब कुछ भगवान से ही जन्म लिया है, सब प्रकट हुए। भिन्न प्रकृति है, भिन्न प्रकृति, लेकिन भगवान से ही उत्पन्न है, इसकी अलग कोई सत्ता नहीं है। इसलिए यह बात कही जा रही, भगवान सम है, और वे श्रेष्ठ में, कनिष्ठ में, पवित्र में, पतित में, और मनुष्य में, पशु पक्षी में, और मनुष्यों में भी आप देखते हैं कितना भेदभाव है, ये सब है, लेकिन भगवान की दृष्टि में सभी उनके हैं। ममई वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन, भगवान के सब हैं, अतः वे सबके प्रति सम दृष्टि रखते हैं, समानस्य, समानस्य असमो पिवा, ऐसा कोई नहीं है जो भगवान के से असम हो। उनका न कोई असम है, न उनके कोई समान है, ये भी अर्थ है। असम का अर्थ होता है समदृष्टि संपन्न, सर्वगुण संपन्न श्री कृष्ण के लिए कोई असम नहीं, सबको अपने समान समझते हैं, उनसे अभेद है, तो इसलिए सम। न माता न पिता तस्य, उनकी कोई माँ नहीं है, तो बड़ा क्रांतिकारी प्रवचन कर रहे हैं, माता पिता के सामने ही कह रहे हैं कि श्री कृष्ण की कोई माँ नहीं है। माँ का अर्थ है जो देह को अपने गर्भ में धारण करे और स्तनपान करा करके जिलावे खिलावे। क्या भगवान ऐसे जिएंगे और गर्भ में धारण किए जाते हैं? एक जगह गीता में भगवान कहते हैं कि सब कुछ मेरे गर्भ में है, भगवान किसी के गर्भ में कैसे हो सकते? तो उनकी कोई माँ नहीं है और पिता नहीं है। पिता का अर्थ है पत्नी के गर्भ में बीज का धान करने वाला, शरीर के उत्पादन का प्रारंभक। उनकी कोई माँ नहीं है, न पिता है, और न कोई भारजा है। अभी तो भारजा कोई हुई ही नहीं थी, जब उद्धव जी ये बात कह रहे हैं तो भगवान कृष्ण की कोई भारजा नहीं थी, कोई विवाह संबंध नहीं हुआ था, कोई पत्नी नहीं, उसकी कोई पत्नी नहीं है, और न तो पुत्र आदि हैं, न सुतादय, नात्मियो न परश्चापि, न उनका कोई आत्मीय है देह से संबंधित या प्रेमी, उनका कोई आत्मीय नहीं है, और न पर, उनका कोई शत्रु है। आत्मीय नहीं है और पर नहीं है, न देह है न जन्म है, उनका देह नहीं है। इस पर यह नहीं मान लेना चाहिए कि भगवान निराकार है, यही बहुत गड़बड़ी होती है। क्या कहा जा रहा है आदमी क्या समझ लेता है। जैसे हम लोगों का देह है, हम देह से परे हैं, आत्मा है, एक दिन देह छोड़ देंगे और एक दिन देह ग्रहण किए हैं, तो भगवान इस तरह से देह धारण नहीं करते हैं। तो उनका कोई देह नहीं है, और देह नहीं है तो कोई कर्म भी नहीं है, क्योंकि कर्म देह से ही होता है, पूर्व कर्म के अनुसार देह बनता है, और इस देह में व्यक्ति को विविध काम करना पड़ता है, और फिर आगे शरीर मिलता है इस कर्म के अनुसार। भगवान इस तरह कर्म बंधन में नहीं, देह ही नहीं है फिर कर्म भी नहीं है। न चास्य कर्म वाल, देह नहीं, जन्म नहीं, न कोई कर्म।
कर्म शब्द का अर्थ होता है वह कर्म जो जीव को बंधन में डालता है, फ्रूटिव एक्टिविटीज प्रभुपाद जी लिखे हैं, ऐसा कर्म जो फल पैदा करे उसको कर्म कहते हैं, जो कर्म न बांधे उसको कर्म नहीं कहा गया। इसलिए नचास्य कर्म वालों के अस्य श्री कृष्ण से लोके कर्म न सदसन मिश्र योनिषु क्रीड़ार्थ स्वपि साधु नाम परित्राणाय कल्पते। लोक में ये बात प्रसिद्ध है कि भगवान सत अर्थात उत्तम श्रेष्ठ और असत अधम और मिश्र बीच की तीन प्रकार की योनियां हैं और तीन प्रकार के जीव हैं, जन्म है। सत जैसे देवता आदि में जन्म लेते हैं, भगवान